नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, 2022 का आपको वर्षफल सुनाया दिया, जनवरी का भी आपको जो है वर्षफल बताया, अब फरवरी का बताने जा रहे हैं। इसको वीडियो को चालू करने से पहले मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे ज्योतिष से, वास्तु से और धर्म ग्रंथों से निकले हुए जितने सार हैं ये आपको प्राप्त हो सके और उनसे आप लाभान्वित हो सके। और अब मैं चलता हूँ कर्क राशि के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये महीना कई प्रकार के अच्छे सुख भी देगा, मिला जुला फल भी देगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी भी इसके अंदर आ सकती है, क्योंकि सारे दिन एक समान नहीं होते दिन एक समान, किसी कोई भी दिन बराबर नहीं होता। हर दिन एक एक मिनट, एक एक घटती भी चली जाती है और बढ़ती भी चली जाती है, तो दिन भी बराबर नहीं होते, तो हमारे दिनों के जो फल हैं वो भी बराबर नहीं हो सकते। अब कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहला 1, 2 और 3 तारीख ये शारीरिक पीड़ाओं की है, ये इसके अंदर शत्रुताओं की वृद्धि की है, तो उसके प्रति थोड़े 2-3 दिन जो हैं आप सजग रहें तो उससे आप बच जाएंगे। 4 और 5 तारीख जो है वो आप लोगों के लिए अच्छी है, दैनिक व्यापार में अच्छा है, पत्नी के साथ अच्छे संबंध, प्रेयसी के साथ अच्छे संबंध, और किसी की अगर शादी ब्याह सगाई अगर ड्यू है तो इन 2 दिनों के अंदर हो सकती है, संभावना है। और अगर हम आगे चलते हैं तो 4 और 5 तारीख के बाद में अब 5 और 6 और 7 तारीख के अंदर अगर चलते हैं तो 6 और 7 तारीख आपके लिए बहुत बढ़िया है, सुखद है, यात्रादायक है, धार्मिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाली है, अच्छा लाभ देने वाली है, अच्छे संस्कारों को हमारे जीवन में डालने वाली है। और 8 और 9 तारीख कोई ना कोई राजकीय कार्य जो है इसके अंदर संपन्न हो सकता है, राजकीय कार्य से आपको कोई लाभ हो सकता है, राजकीय नौकरी जो है उसके अंदर आपको प्राप्त हो सकती है। और इसमें साथ साथ में आप जोड़ लीजिए 10, 11 और 12 तारीख में भी इसी प्रकार के कुछ सुखद परिणाम, पिता से सुख और राज्य से सुख या राज्य से लाभ इसके अंदर आपको प्राप्त होगा। अब 12, 13 और 14 तारीख ये जो है आपके लिए लाभकारी है, कहीं से भी कोई भी रास्ते से, कोई भी मार्ग से आपको इस समय पर लाभ होगा। अब चलते हैं 15, 16 और 17 तारीख, तो 15 और 16, 17 तारीख ये 3 दिन जो हैं आपके खर्चों के हैं, उन खर्चों को संभालिए, हाथ को दबाइए, मन को दबाइए, जिससे कि इन खर्चों से आप जो हैं बच सकते हैं। और अब उसके बाद में हम चलते हैं 18 और 19 तारीख, ये बहुत ही प्रसन्नतादायक है, अच्छे समाचार, अच्छी खुशियां, अच्छा माहौल। और इसके साथ साथ 20, 21, 22 तारीख भी आपके लिए धनागम के योग बनाने वाली, धन को बढ़ाने वाली, परिवार के अंदर अच्छा माहौल पैदा करने वाली, खुशियों को लाने वाली, इस प्रकार का ये समय, ये तारीखें आपकी गुजरेंगी। अब मैं चलता हूँ आगे 23 और 24 तारीख, ये 23 और 24 तारीख भी आपके भाइयों से, मित्रों से आपको लाभ देने वाली हैं और इसके अंदर अपने प्रभाव को, पराक्रम को बढ़ाने वाली हैं। अगर कहीं पर कोई विवाद चल रहा है तो उसके अंदर विजय की प्राप्ति इस समय पर आपको हो सकती है। और सज्जनों, अब 25 और 26 तारीख ये कुछ अशांति दे सकती है, मानसिक अशांति, और उसके मानसिक अशांति का कारण माता का स्वास्थ्य हो सकता है, प्रॉपर्टी का कोई कारण बन सकता है, वाहन का कोई कारण बन सकता है, जिसके कारण से कि मन अशांत हो, लेकिन 2 दिन आप शांत रहिएगा, 2 दिन के बाद में ये समय गुजर जाएगा। और अब आगे के लिए 27 और 28 तारीख आपकी संतान के लिए, पुत्र के लिए, पुत्र के परिणामों के लिए ये अच्छा है, और पुत्र के द्वारा भी आपको अच्छा सुख जो है इसके अंदर प्राप्त हो सकता है, उसका सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। 29 और 30 तारीख ये थोड़ी सी विवाद को उत्पन्न करने वाली, झगड़े टंटे पैदा करने वाली, रोग उत्पन्न करने वाली है, तो इसलिए इस समय पर थोड़ा सा सावधानी का आप जो है आचरण करें, जिससे कि ये समय आपका अच्छी तरह से कट जाए, अच्छी तरह से निकल जाए। और 31 तारीख जो है वो आपके लिए अच्छी है, जिसका भी कोई संबंध ड्यू है वो संबंध हो सकता है,
पत्नी या प्रेयसी, उससे जो है सुख की प्राप्ति हो सकती है, दैनिक व्यापार आपका अच्छा रहेगा। ये सब बातें आपको हमने जो है फरवरी के लिए बताई हैं। अब आप एक कृपा जरूर करें हम पर कि जब भी फोन करें तो सुबह 10 बजे से और शाम को 6 बजे के बीच में आप फोन करें, क्योंकि हमारी भी अपनी कोई दैनिकचर्या होती है, अपना भी दैनिक जो है कोई ना कोई कार्यक्रम रहता है, तो आप लोगों की सेवा के लिए हम शाम को 6 बजे तक उपलब्ध हैं। नमस्कार। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुला मुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।